गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल अन अकेडमी गेट सी। हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट की बातचीत कर रहे हैं, दैट इज क्रैश कोर्स। यस, तो हम लोगों का यहां पर जो डिस्कशन चल रहा है दैट इज अबाउट द क्रैश कोर्स। तो वी विल स्टार्ट विद क्रैश कोर्स ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। यस, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यस, सो विल स्टार्ट टुडे। हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे थे दैट वाज अबाउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। हम लोग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ाई कर रहे थे कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की क्या कहानी है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ाई करी थी वो देख लेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वेन शेयर टेस्ट। तो दो टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी डायरेक्ट शेयर टेस्ट एंड वेन शेयर टेस्ट। ये हम लोग दो टेस्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। यस, दीज टू टेस्ट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। आज की क्लास में हम लोगों को ये दोनों टेस्ट हम लोग डिस्कस करने होंगे। जैसा कि आपने पुरानी क्लासेस में देख रखा होगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने बातचीत करी थी, चार तरीके के टेस्ट होते हैं, उनमें से कौन से वाले टेस्ट आज करने हैं, कौन से वाले हम लोग कल पढ़ेंगे, तो उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से और एबिलिटी ऑफ द टाइम के हिसाब से कि कम से कम हमारा जो टेस्ट शुरू करा जाए वो सारे हमारे खत्म हो जाए। यस, तो दिस इज द केस यहाँ पर। तो फटाफट से वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। यस, चलिए, तो विल स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रांजल पांडे। आई एम माय मास्टर्स फ्रॉम आईटी पटना इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड आई एम टीचिंग यू सिंस लास्ट 5 इयर्स इन द फील्ड ऑफ गेट एसी एंड एसजी। यस, सब्जेक्ट जो मैं आपके लिए ले रहा हूँ दैट आर दिस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इन क्रैश कोर्स। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। यस, मॉर्निंग में जो चल रहा है 10:30 AM से हमारी क्लास रहती है, एंड इन इवनिंग में हमारी जो क्लास चल रही है दैट इज अबाउट लैमिनार बैच में। हम लोग लैमिनार बैच में डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यस, पूरे वीक में हम लोग पढ़ाई करते हैं एंड एट द एंड वी दिस डू दिस रिविजन करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, ऑल दीज पॉइंट्स विल डिस्कस। यस, आपको अगर मेरे प्लस कोर्सेज अटेंड करने हैं, यू कैन अटेंड ऑल माय प्लस कोर्सेज बाय टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन। यस, तो पेड प्लेटफॉर्म है अन अकेडमी पर, आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। फ्री क्लासेस आप देखने के लिए पी प्रांजल को सर्च कर लेंगे एंड यू कैन अटेंड ऑल माय फ्री क्लासेस। एज वेल एज फॉर पेड क्लासेस यू हैव टू यूज अ कोड एंड यू कैन यूज माय कोड GOPP, गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे। आप मेरा कोड लगा सकते हैं GOPP। आपको ये कोड लगाने से यू विल गेट 10% डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर। यस, एंड यू विल गेट फुल एक्सेस टू द ऐप, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास होती है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यस, अब अगर आप इसी में आप आइकनिक की तरफ मूव करते हैं, यू विल गेट आइकनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी अलॉन्ग विद स्टडी मटेरियल। आपके टेस्ट को एनालाइज किया जाएगा, स्टडी को प्लान करके दिया जाएगा। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड आइकनिक। आप इनमें से अपने ड्यूरेशन, अपने एग्जामिनेशन और प्रायोरिटीज के हिसाब से आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करके प्लान ले सकते हैं। यस, प्लान की कैसे क्या कॉस्ट है डिस्कस लेटर। सो अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं कहानी। जो सबसे पहले लास्ट डे में हम लोगों ने सैटरडे को जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वॉज अबाउट फेलियर प्लेन। हम लोगों ने क्या पढ़ाई कर रखी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो अबाउट फेलियर प्लेन वी हैव डिस्कस्ड। फेलियर प्लेन मतलब कौन से प्लेन पे फेल करेगा, बोले बीटा मैक्स पे फेलियर प्लेन होगा। यस, फेलियर कहाँ पे होगा, दैट विल बी टेकिंग प्लेस एट बीटा मैक्स। तो फेलियर हमारा बीटा मैक्स पे होगा, सबसे पहली बात हमारी ये होती है। यस, फेलियर विल टेक प्लेस एट द प्लेन वेयर एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी विल बी मैक्सिमम। तो हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी हो जाएगा। यस, दिस इज द केस। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी, ये हमारा बीटा मैक्स की कहानी है। बोले ठीक है, इसको बोलते हैं फेलियर प्लेन के लिए जो भी एंगल होगा। फोकस करेंगे, पॉइंट्स को देखते जाएंगे। फेलियर प्लेन जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से एंगल बनाएगा दैट विल बी थीटा सी, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा सी। और हम लोगों ने ये बीटा मैक्स को क्या बोला था, फाइव, है ना, सॉइल के लिए क्या होता है, फाइव। और हम लोगों ने यहाँ से निकाल के एक रिलेशन भी पढ़ा था, थीटा सी इज इक्वल टू फाइव प्लस 45/2, 5/2 प्लस 45 प्लस 5/2 मतलब 45 प्लस 5/2, दिस इज द रिलेशन। दिस इज द क्रिटिकल फेलियर प्लेन का एंगल जो होगा। दिस इज द शियर स्ट्रेंथ की दो इक्वेशंस हम लोगों ने, एक तो क्या पढ़ा था जो हमारा ट्रायंगल टेस्ट में आगे चल के काम आएगी, सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा थ्री माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोगों ने रिलेट किया था सी और पाई से। सो हियर सिग्मा वन विल बी इक्वल टू सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2, टेन स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c टेन 45 प्लस 5/2। यस, वी विल गेट 2c टेन 45 प्लस 5/2।
ये हमारी शियर की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ, ये हमारी शियर की इक्वेशन रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें तो डिस्कस अबाउट नेट्स, तो मोर थ्योरी में मोर कूलॉम थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर इक्वेशन पढ़ी थी एस बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, और इसी इक्वेशन को हमारा तरजाकी ने मॉडिफाई करके दिया था एंड द वैल्यू वॉज एस बराबर सी डैश प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस टेन फाइव डैश। तो ये इफेक्टिव शियर पैरामीटर्स थे, सी और फाइव को हम लोग बोलते हैं शियर पैरामीटर्स, यही शियर स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, दीज आर रिफर्ड एज शियर पैरामीटर्स, दीज आर रिफर्ड एज व्हाट शियर पैरामीटर्स। एक एक करके पढ़ेंगे, ये हमारे को जो है अल्टी टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स भी होते हैं, ये हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स भी होते हैं, तो इनकी एनालिसिस करेंगे, विल एनालाइज दीज थिंग्स आल्सो कि कौन सी अप्रोच लगाना हमारे लिए बेहतर होगा, विच अप्रोच वी शुड अप्लाई टू फाइंड आउट दिस सी एंड फाइव वैल्यू, सी और फाइव वैल्यू निकालने के लिए कौन सी अप्रोच हमें लगानी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है हमारा, तो वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। यस, और अभी हम लोग टेस्ट के बारे में और देखेंगे कि टाइप्स ऑफ शियर टेस्ट हमारे कितने तरीके के होते हैं। यस, तो वी हैव डायरेक्ट शियर टेस्ट, वी हैव ट्राइएक्सियल, वी हैव अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वेन शियर टेस्ट। यस, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टेस्ट, हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यस, वी विल स्टार्ट डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टेस्ट, तो बताएंगे फटाफट से इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक में कोई डाउट है, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। यस, if you have any doubts you can ask, otherwise we can move ahead. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, we will see next. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट की, डायरेक्ट शियर टेस्ट की। डायरेक्ट शियर टेस्ट की क्या कहानी है, उसको हम लोग कैसे क्या देखते हैं, उसकी पूरी कहानी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक एक करके पॉइंट्स पर। यस, तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर फोकस करना होगा, एक सबसे पहले होता है शियर बॉक्स, देयर इज अ शियर बॉक्स, ये आपकी ट्रॉली जैसी है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट होगा व्हाट वी विल बी हैविंग शियर बॉक्स हियर, यहाँ पर हमारा होगा शियर बॉक्स, फोकस करिए, वी विल बी हैविंग शियर बॉक्स हियर, यहाँ पर ऐसे शियर बॉक्स होगा जिसमें दो पोर्शन होते हैं, इन द शियर बॉक्स वी हैव टू पोर्शन। यस, शियर बॉक्स में हमारे दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अपर पोर्शन और एक होता है लोअर पोर्शन, एक होता है अपर पोर्शन एंड सेकेंड वन इज व्हाट लोअर पोर्शन, ये दो हमारे पोर्शन रहते हैं। अगर हम लोग फोकस करें तो ये बीच में कुछ इस तरीके से इसमें जगह खाली रहती है, ये बीच में सेपरेटेड रहते हैं ये दोनों, बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अगर हम लोग फोकस करेंगे, विल फोकस ऑन दिस पॉइंट, तो यस, तो यहां पर आपका ये इस तरह से अटैच रहते हैं, Like this. Yes. तो ये कुछ इस तरह से ये अटैच रहते हैं, they will be attached like this. इस तरह से ये अटैच रहते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद यहां पर हमारा इसमें सिस्टम पूरा बना होता है फॉर दिस, ध्यान से देखेंगे, तो ये हमारा हो गया सॉइल का सैंपल का, दिस इज वॉट शियर बॉक्स, और ये जो शियर बॉक्स होता है ये हमारा स्क्वायर हो सकता है, दिस में भी स्क्वायर और सर्कुलर, और इसकी जो साइज होती है दैट इज 60 टू 90 एमएम, इसका जो साइज होता है दैट इज फ्रॉम 60 टू 90 एमएम, इसका साइज 60 टू 90 एमएम होता है। यस, इतनी बातें क्लियर है। अब अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर पोर प्रेशर को मेजर करने का, वी डोंट हैव पोर प्रेशर को मेजर करने का हमारे पास यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता, वी डोंट हैव एनी अरेंजमेंट टू मेजर पोर प्रेशर, यहाँ पर पोर प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं होता। ओके सर, डन। नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत समझें तो इसको हम लोग किस तरह से अरेंज करते हैं, जैसे कि ये हमारे वायर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है, यस दिस इज कनेक्टेड, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, और इसको जब हम लोग रोटेट, ये हमारा मैनुअल भी हो सकता है, इट मे बी मैनुअल और ऑटोमेटेड, यस ये हमारा मैनुअल हो सकता है और ये हमारा ऑटोमेटेड हो सकता है, तो हम लोग इसको घुमाते हैं, ये हमारा ट्रॉली मूव करती जाती है, फ्रॉम हियर वी हैव दिस अरेंजमेंट कि ये हमारा इससे अटैच रहता है, दिस विल बी अटैच टू दिस, और यहाँ पर आपका डायल गॉज लगा रहता है, यस वी हैव डायल गॉज हियर, लाइक दिस, इस तरीके से हमारी यहाँ पर रीडिंग होती है, तो इसको मूव करते जाएंगे। आपको कैसे पहले अरेंजमेंट पूरा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस चीज से क्या हो क्या रहा है। यस, यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंजमेंट, ऊपर से हम लोग लोडिंग लगाते हैं, फ्रॉम हियर वी विल अप्लाई लोडिंग, यहाँ से ये क्लोज्ड है,
ये हमारा यहाँ सॉइल सैंपल आ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं लोडिंग, विल अप्लाई लोडिंग हियर। और लोडिंग किस तरह से लगाएंगे, तो लोडिंग विल बी अप्लाइड, यस नॉर्मल लोड, नॉर्मल लोड इज देयर, तो यहाँ पर नॉर्मल लोड लग रहा है हमारा, देयर इज सम नॉर्मल लोड एक्टिंग, इस तरह से ही कुछ ना कुछ नॉर्मल स्ट्रेस आपको देगा, देयर विल बी सम नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस हमारा लग रहा है, यस क्लियर है। यहाँ पे अंदर भरी होगी सॉइल, वी हैव सॉइल हियर, सॉइल स्पेसिफिक, जिसमें कि फेलियर हमेशा इसी प्लेन से होगा, यहाँ पर फेलियर हमेशा इसी प्लेन से होगा। अब ध्यान से देखिए क्यों फेलियर इसी प्लेन से होगा, ये हमारा एक अरेंजमेंट है, ये हमारा ऐसे सॉलिड ब्लॉक है, यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है अपनी पढ़ाई में। हमारा जो मेन रीजन है, मेन रीजन टू अंडरस्टैंड, वो है ये वाला, ठीक है। अब इसको अगर समझना है तो सबसे पहले समझिए कि शियर स्ट्रेंथ होगी क्या। आप समझिए एक सॉइल का लेयर है ये, और उसके ऊपर सॉइल का लेयर है ये, यस। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी विल अप्लाई फोर्स ऑन दिस लेयर। अगर हम लोग इस लेयर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यस इस लेयर में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब ये आगे जाएगा तो अपने साथ वाली सॉइल को भी लेकर के जाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं हमेशा से, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ है, तो इट विल ट्राई टू टेक दिस, यस। पर हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर इसको रोक रखा है, यस हमने क्या रखा है, हमने यहाँ पर इसको रोक रखा है, वी हैव स्टॉप, इसको कनेक्ट कर रखा है यहाँ से। अगर हमने कनेक्ट कर रखा है तो ये हमारा साथ में अगर जाएगा नहीं, चाहेगा नहीं, और अगर जाएगा, इट विल अगर टेक, तो हमने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे डायल गॉज की रीडिंग लगा रखी है कि जितना जाएगा वो यहाँ नोट हो जाएगा, वी विल बी नोटिंग दिस वैल्यू, एक्स की वैल्यू नोट हो जाएगी, फोकस करना, एक्स हमने नोट करा, तो आपने इसको आगे ले जाए नीचे वाले, यहाँ पे इस लेयर की बातचीत कर रहे हैं, नीचे वाले लेयर को आप आगे ले जाने की कोशिश करें। जब आप नीचे वाले को आगे ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले लेयर को उसने साथ में अपने लिया, दैट विल बी द शियर स्ट्रेंथ। अगर वो अपने साथ में लेगा तो यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, ये वापस फोर्स लगाना शुरू कर देगा, अगर ये आप ले जाओगे स्प्रिंग अगर आगे बढ़ेगी तो वापस फोर्स लगेगा, यस ये अपने साथ ले जाना चाहता, जब तक ये फोर्स जो इसको रोक करके रखने वाला है, अब ये अगर हमारा कम रहा है तब तक तो ये इसके साथ मूव करेगा, जैसे ही ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वेन एवर दिस फोर्स विल बी मोर, जैसे ही ये फोर्स हमारा ज्यादा हो जाएगा, दिस विल बी फिनिश्ड, यहाँ से बात खत्म हो जाएगी, यस यहाँ से काम खत्म। अब आपका क्या करेगा, आप वो लेयर वहीं छूट जाएगी, ये आगे मूव कर जाएगी, यहाँ पर ब्रेकेज हो जाएगा, यस। तो जिस समय पर ब्रेकेज हुआ है उस समय की रीडिंग आप नोट कर लोगे, यू विल नोट डाउट दैट रीडिंग, यस। और उस समय पे फोर्स कितना लग रहा होगा वो आप बता पाओगे, यस ऑफ कोर्स वी कैन फाइंड, वो एफ वन लग रहा होगा, एफ वन कैसे पता पड़ेगा, के इंटू में एक्स वन, इसका कॉन्स्टेंट होगा, तो वो शियर फोर्स हमने निकाल लिया, और अगर हमने शियर फोर्स निकाल लिया है देन वी कैन फाइंड आउट द शियर स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि शियर स्ट्रेस हमारा होगा फोर्स अपॉन में एरिया। तो हम लोगों ने कुल मिला के फेलियर के समय पे स्ट्रेस कितना लग रहा था वो निकाल लिया, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर। यहां तक की बातें कुछ कुछ समझ में आई, यस ऑल क्लियर टू दिस पॉइंट, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए, इफ यू हैव एनी डाउट टू दिस पॉइंट, यहां तक में कोई भी डाउट हो तो बोलिए। जल्दी से फास्ट, क्लियर है। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर बस हम यही देखना है, ऊपर से हम एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाते हैं, यस एक फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से P1, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो ऊपर से लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, P1 बाई A जो भी एरिया होगा। तो कुल मिला के हमारी यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ की जो इक्वेशन होती है, शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन वो क्या होती थी हमेशा से, दैट वॉज एस बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, यस फोकस करेंगे एस बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। अगर हम लोग देखेंगे तो S हमारा वही होता है जो फेलियर के समय पे स्ट्रेस होगा, तो फेलियर भाई फेलियर कब होगा, जब तुम्हारा आप लोड लगा दोगे, वेन एवर लोड विल बी अप्लाइड, और कितना लोड लगा दोगे, जितना हमारा स्ट्रेस है, यस तो टाउ एफ विल बी इक्वल टू सी प्लस सिग्मा, वो जो ऊपर से लगा रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस, इंटू में टेन फाइव। दो बार ये इक्वेशन निकाल के सी और फाइव, तो एक बार आप करोगे तो एक बार रीडिंग, इसी टेस्ट को बार बार रिपीट करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू टेस्ट, दो बार टेस्ट करके दो वैल्यूज की हेल्प से आप निकाल पाओगे सी और फाई कितना है, यस जरा इसको एक बार देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू कि इसमें कैसे कैसे होगा। तो लेट अस अज्यूम दिस इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट, ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट है हमारा, ठीक है। अगर हम लोग फोकस करें तो यहां पर आपको कॉम्पैक्टेड सॉइल डालनी है, यस दिस इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट, यहां से आप इसको आगे पीछे करना चाहते हैं, यहां पर अरेंजमेंट है ये पूरा है, तो एक को आगे कर सकते हैं पीछे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर, यस कैसा अरेंजमेंट है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पैक्टेड सॉइल डालेंगे. यस, व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज दिस कॉम्पैक्टेड सॉइल. तो कॉम्पैक्टेड सॉइल का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे. एंड व्हाट वी विल डू लाइक दिस. तो यहाँ पर कॉम्पैक्टेड सॉइल इस, ये देखिए यहाँ पर दो रीजन आपको दिख रहे हैं, एक हमारा अपर माउंड पोर्शन है, एक हमारा लोअर पोर्शन इन दिस शियर स्ट्रेंथ टेस्ट. तो ये शियर बॉक्स में हमारा एक अपर पोर्शन दिख रहा है, एक लोअर पोर्शन दिख रहा है. व्हाट वी विल डू इज वी विल फिल दिस सॉइल इन दिस, हम लोग इस सॉइल को इसमें फिल करेंगे. यस, सेकंड स्टेप. तो सॉइल को यहाँ पर क्या लेकर के आएंगे, सॉइल विल प्लेस हियर, सॉइल को यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे. यस, जैसे ही सॉइल यहाँ पर फिलअप कर देंगे, दिस इज फिनिश. अब हमको इसमें ऊपर से लोड देना होता है, उसके बाद हमको यहाँ पर इसको घुमाना होता है. तो व्हाट विल डू, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको मूव करना शुरू कर देंगे. देखिए आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, दिस विल मूव. यस, तो पहले स्टेप में थोड़ा सा मूव होगा, ये हमारा मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है एक तरीके से, ये देखिए. तो पहले इसको जब मूव करा, ये मूव नहीं करा, तो इसने कितना फोर्स रेजिस्ट करा ये दिख जाएगा. और मूव करा और कितना रेजिस्ट करा, और कितना रेजिस्ट करा, और कितना रेजिस्ट करा, अभी भी सॉइल में फेलियर नहीं हुआ. देखो अभी भी ये जो लेयर है यहाँ पर, दिस लेयर इज मेंटेनिंग दिस. यस, मेंटेन कर पा रही है. यस, रेजिस्टेंस मेंटेन हो पा रहा है. और आपने मूवमेंट करा और मूव हो गया, और मूवमेंट करा और मूव हो गया. यस, एट सम पॉइंट देयर विल बी सम फेलियर. और ये आपका यहाँ पर आ गया क्रैक, देयर इज सम क्रैक हियर. यस, तो यहाँ पर अब आपको ये क्रैक दिखने लगा. क्लियर है बात? यस और नो? क्लियर टू यू? एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? तो यहां तक में कोई डाउट है? तो ये आपको यहाँ पर क्या दिखने लगा, देयर इज ए क्रैक हियर. यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं क्रैक दिखने लगा. इसका मतलब इस वक्त पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, दैट विल बी शियर स्ट्रेंथ. यस, वही हमारा किसके बराबर होगा, शियर स्ट्रेंथ के बराबर होगा. तो शियर स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट विल बी व्हाट, शियर स्ट्रेस. तो देखिए आप फटाफट से यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेते हैं चीजों को. यस, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिखी हैं. यहाँ पर कुछ और पॉइंट है. दो तरीके की अप्रोच होती है हमारी, टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस आर देयर. टू टाइप्स ऑफ अप्रोच रहती है हमेशा से, आपको पता है टू टाइप्स ऑफ अप्रोच. यस, वन इज स्ट्रेस कंट्रोल अप्रोच. स्ट्रेस कंट्रोल्ड अप्रोच. एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच. यस, तो स्ट्रेस कंट्रोल और स्ट्रेन कंट्रोल में अप्रोच बेटर कौन सी है? दैट वन इज स्ट्रेन कंट्रोल. स्ट्रेन कंट्रोल अप्रोच इज मोर प्रिफर. यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है पोर प्रेशर को मीजर करने का. यस, देयर इज नो मैकेनिज्म टू मीजर पोर प्रेशर. अब अगर पोर प्रेशर मीजर नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग देखेंगे. उसका स्टेटमेंट हम ऐड करेंगे यहाँ पर. यस, वी विल ऐड दैट स्टेटमेंट हियर. होता क्या है, अगर हम लोग पोर प्रेशर मीजर नहीं कर सकते हैं तो अगर अनड्रेन्ड कंडीशन होगी तो एक्सेस पोर प्रेशर हमारे हो जाएंगे डेवलप. अगर अनड्रेन्ड कंडीशन होगी तो एक्सेस पोर प्रेशर हमारा डेवलप हो जाएगा. न्यूमेरिकल्स कब होगा, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे बेटा. यस, आफ्टर दिस न्यूमेरिकल्स ऑन दिस शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. कल हम लोगों का ट्राइएक्सियल होगा, परसों होगी न्यूमेरिकल्स. यस, तो परसों हमारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स होंगे अबाउट दिस चैप्टर. यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करें तो देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर. इसलिए हम लोग इसको ड्रेन्ड कंडीशन में प्रेफर करते हैं, बिकॉज ड्रेन्ड कंडीशन में पोर प्रेशर डेवलप नहीं होगा. जब पानी को निकलने नहीं दोगे. यस, क्ले में जल्दी जो है पोर प्रेशर जनरेट हो जाता, सैंड में नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा द सॉइल इन विच वाटर विल नॉट मूव. अगर परमेबिलिटी कम है तो पोर प्रेशर हमारा जनरेट हो जाएगा. यस, पोर प्रेशर विल बी जनरेटेड. तो देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर. इसलिए हम लोग इस टेस्ट को प्रिफर करते हैं फॉर अंडर ड्रेन्ड कंडीशन. वो बात अलग है कि हम लोग अब आज की तारीख में इट कैन ऑल्सो बी डन फॉर अनड्रेन्ड कंडीशन ऑल्सो. यस, तो जनरली इट इज प्रिफर्ड फॉर ड्रेन्ड कंडीशन. तो नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर, इसलिए हमारा इट इज प्रिफर्ड फॉर ड्रेन्ड कंडीशन. इट इज प्रिफर्ड फॉर ड्रेन्ड कंडीशन. हम लोग प्रिफर किसके लिए करते हैं, ड्रेन्ड कंडीशन के लिए. बट इट कैन बी कंडक्टेड अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन, उसमें भी कर सकते हैं. यस, और हम लोग कुछ जुगाड़ ढूंढ लेंगे. यस, विल फाइंड समथिंग.
टू गेट आवर आंसर. याद रखिए बातें क्लियर है. ये तीन पॉइंट हमारे जो इंपॉर्टेंट थे वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए. अगर अगली बात देखें यहाँ पर, यस वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट. तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि हम लोग सबसे पहले सॉइल को शेयर बॉक्स में रखते हैं. पहला सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए. सॉइल को शेयर बॉक्स में रखते हैं. शेयर बॉक्स में दो पार्ट है जो कि एक दूसरे से अलग है, विच आर सेपरेटेड टू ईच अदर. यस, तो सैचुरेटेड सॉइल मास को हम लोग शेयर बॉक्स में प्लेस करेंगे. एंड और जो शेयर बॉक्स है उसमें हमारे दो पार्ट है, लोअर एंड अपर, दोनों बातें हमारी यहाँ पर. तो शेयर बॉक्स it has two parts. Yes, that is lower and upper. एक part lower है, एक part upper है, और बोलते हैं separated from each other. तो शेयर बॉक्स में हमारे दो पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट हमारे सेपरेट होते हैं, लोअर पार्ट और अपर पार्ट. दिस इज द केस. यस, अगर इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करें, विल फोकस ऑन दिस नेक्स्ट पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए ध्यान से जरा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट. अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फोकस करें, एक तो शेयर बॉक्स की कहानी जो होगी वो हमने लिख ली है. शेयर बॉक्स इट हैज टू पार्ट्स, लोअर अपर, और पूरी दुनियादारी की बातें है ना. नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करें तो सॉइल सैचुरेटेड सॉइल को हम लोग प्लेस करते हैं. तो सैचुरेटेड सॉइल इज प्लेस्ड ऑन शियर बॉक्स. यस, सैचुरेटेड सॉइल इज प्लेस्ड ऑन शियर बॉक्स. तो शियर बॉक्स में हम लोग सॉइल को, सैचुरेटेड सॉइल को रख देते हैं. यस, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पहले ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगाते हैं. ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगाते हैं. यस, टॉप से, और जहां पर एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर स्टॉप हो जाएगा, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर स्टार्ट होगा. जब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर स्टॉप हो जाएगा तब हम लोग उसमें शियरिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. फोकस करना जरा, यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान देंगे, फोकस करिए, अगर हम लोग यहां पर फोकस करें तो ऊपर से एक फोर्स लगाते हैं, शियर फोर्स ऑफ P1. Yes, normal force of P1 is applied. जब apply करेंगे तो जब expulsion of pore water समाप्त हो जाएगा, when expulsion of pore water is finished, क्योंकि आप करेंगे तो drained condition होगी, तो expulsion of pore water होगा. तो जब expulsion of pore water समाप्त हो जाएगा, consolidation हो चुका होगा, then we will apply shearing here. तब हम लोग यहाँ पर क्या apply करेंगे, shearing. Yes, तो आइए देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें, फिर focus on this point, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए. तो फोर्स जैसे कि क्या हो गया, P1, जो हम लोगों ने ऊपर से अप्लाई करा है, दैट फोर्स इज व्हाट P1, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं P1. तो एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करा P1, यस, कहां से, अपसाइड से. यस, फ्रॉम द अपर एंड वी विल अप्लाई. तो नॉर्मल फोर्स P1 हम लोग जो अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड फ्रॉम द टॉप, यस. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, फिर फोकस ऑन दिस नेक्स्ट पॉइंट. तो जब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर हमारा समाप्त हो जाएगा, यस, तो पोर वाटर सब लगा दिया, और जब एक्सपल्शन हमारा समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा क्या, शियर. तो हमारा शियर इंट्रोड्यूस करेंगे. यस, तो when expulsion of pore water stops, जब हमारा एक्सपल्शन हो जाएगा पूरा पोर वाटर का, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर विल स्टॉप. यस, व्हेन एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर इज स्टॉप, शियरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे. और जहां पर शेयरिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो पहले से ही प्रीडिफाइंड है. देखिए, शेयरिंग इसी प्लेन पे बार बार इंट्रोड्यूस होगी. यस, तो शेयरिंग इज इंट्रोड्यूस ऑन हर, आप देखोगे अगर इसमें, तो आपके क्वेश्चंस में जहां पर भी शेयरिंग इंट्रोड्यूस की गई है वो यही है. आ रही है बात समझ में भाई, आपका पहले ये था कहानी. यस, आपकी कहानी में जब आपने इसको हटाया, तो जब नेक्स्ट स्टेप पे गए, तो यहाँ पर आपने लोड लगाना शुरू करा है. यस, लोड लगाना आपने कहानी में शुरू करा, लोड यहाँ पर लगाया, तो
तो अगर आप लोड लगाएंगे तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। सी सी दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड, यस। तो यहाँ पर ये क्या स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एक समय बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए फेलियर हो गया, फेलियर इज देयर। यहाँ पर आप देखेंगे तो व्हाट विल बी देयर, फेलियर हमारा हो जाएगा, यस। तो नेक्स्ट में देखेंगे आप, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट ए फेलियर। यहाँ देखिए फेलियर मिल गया, देयर विल बी फेलियर। तो कहीं ना कहीं पर एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर क्या है, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर, कंसोलिडेशन चैप्टर नहीं पढ़ा बेटा, कंसोलिडेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है। जब आप सॉइल मास में लोड लगाएंगे, व्हेनेवर यू विल अप्लाई सम लोड इन दिस सॉइल मास, जब आप सॉइल मास में लोड लगाएंगे, यस, तो कंप्रेसिबिलिटी होती है एक प्रॉपर्टी, उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। सॉइल मास में लोड लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, यस। ये सॉलिड हो गया, यहाँ पर वाटर फिलअप होगा, यहाँ पर वाटर होगा, एयर भी होगी, यस। तो जब पहले आप देखेंगे तो अर्लियर जो वॉल्यूम में चेंज होगा बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ एयर, तो पहले तो एयर रिमूव होगी, यहाँ तक एयर रिमूव होगी, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी में कॉम्पैक्शन। उसके बाद जब वाटर रिमूव होगा तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, यस, और वो भी प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन होगा ना, एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर होगा ना, वही। तो आप लोड लगाएंगे और लोड लगाने के बाद जितना सेटलमेंट होना है वो हो जाने दीजिए, कुल मिला के कंसोलिडेशन समाप्त हो जाए, मतलब कुल मिला के आपका यहाँ पर ड्रेन कंडीशन है। आप इसमें बातचीत करेंगे कि मतलब पोर वाटर हमारा एक्सपल्शन रुक जाए, अब एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर स्टॉप कर जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। तो व्हेन एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर स्टॉप, देन आप उसके बाद शेयरिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन यू विल इंट्रोड्यूस शेयरिंग। क्लियर टू ऑल? कहीं कोई डाउट है, पूछिए। If you have any doubts, आप बताइए, yes? अब इसके बाद तो आपका कहीं ना कहीं फेलियर होगा, तो शेयरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, शेयरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जब शेयरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जाकर के फेलियर होगा फेलियर प्लेन पे। तो फेलियर प्लेन पे मान लीजिए हमको फेलियर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस, तो हमें पता ही नॉर्मल स्ट्रेस कितना लग रहा था, सिग्मा एन। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो हमें पता है, दैट वाज सिग्मा एन वन, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो वो पी वन जो ऊपर से आपने दिया अपॉन में ए कर देंगे, पी वन अपॉन में ए। और उस समय पर फेलियर प्लेन पर स्ट्रेस कितना होगा, टाउ फेलियर, वो किससे निकलेगा, तो फोर्स हमारा कितना होगा स्प्रिंग का वो, और उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन में एरिया। तो स्प्रिंग का फोर्स हमारा कितना निकला होगा, स्प्रिंग में फोर्स जो इंड्यूस हुआ है उसका कुछ ना कुछ के होगा, और कितना डायल गेज का रीडिंग हुआ है, दैट इज द एक्स वन। इस तरह से आपको सिग्मा एन वन टाउ एफ वन ये सारी वैल्यू हमें मिल जाती है, यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज। और जैसे ही हमें ये वैल्यूज मिलने लगेंगे, यू कैन मार्क दीज आंसर्स, हम लोग आसानी से आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करिए, बार बार टेस्ट करिए, डू दिस टेस्ट अगेन एंड अगेन। इस टेस्ट को हम लोग बार बार करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन 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 वी विल गेट सम सिग्मा, और कहीं ना कहीं पे फेलियर हो रहा होगा, यस। हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, अलग अलग सिग्मा नॉर्मल की वैल्यू के लिए फेलियर विल बी डिफरेंट। देखिए फॉर डिफरेंट सिग्मा नॉर्मल, अलग यहाँ पे सिग्मा नॉर्मल दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग टाउ दिखा रहे हैं। अलग अलग सिग्मा नॉर्मल के लिए वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज, अलग सिग्मा नॉर्मल वन के लिए टाउ एफ वन, यस, सिग्मा नॉर्मल टू के लिए टाउ एफ टू, दिस इज द केस, ये टाउ एफ वन। तो जब इसका डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो इसका मोर, जब ये सारे पॉइंट मिला देंगे जहां पर फेलियर हो रहा है, तो दिस विल गिव यू मोर फेलियर एंगल, क्या बोलते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये मोर फेलियर एंगल दे देगा, this will give you Mohr's failure envelope, ये आपका Mohr's failure envelope हो जाएगा। तो ये अलग अलग points हमारे आ जाएंगे, जब आप दो तीन बार test करोगे तो उनको सारे points को मिला दोगे failure, अबे failure होता क्या है, Mohr circle उसी में तो बनता है, this one will be represented as Mohr's failure envelope, उसको हम लोग बोल देते हैं Mohr's failure envelope, yes, Mohr's failure envelope, ध्यान दीजिए। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं Mohr's failure envelope। इतने बात पे focus है, कोई doubt है यहाँ तक, if you have any doubts about this point, यहाँ तक में कोई doubt हो तो बोलिए। इसको हम लोग बोलते हैं मोर्स फेलियर एनवेलप। अब अगर इसमें हम लोग आगे बढ़े और आगे के पॉइंट समझे, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट समझने वाला है कि इसमें हमारा मोर सर्कल बन पाएगा क्या। तो कम से कम आपको आपको जो सर्कल बनाना है उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से तो सर्कल नहीं बन पाएगा, यस। यू कैन गेट सी फाइव वैल्यू, आपके यहाँ पर सी फाइव की, ये हमारी सी फाइव की वैल्यू हो गई, ये हो गया सी, ये हो गया फाइव। अगर आप ये इफेक्टिव लोगे तो ये इफेक्टिव पैरामीटर्स मिलेंगे, अगर आप ये टोटल लोगे तो टोटल मिलेंगे। इफ यू विल टेक इफेक्टिव स्ट्रेस देन यू विल गेट इफेक्टिव पैरामीटर, समझ में आ रही। अगर आप यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस लेते हैं, इफ यू विल टेक इफेक्टिव स्ट्रेस देन यू विल गेट इफेक्टिव शेयर पैरामीटर्स, अगर ये इफेक्टिव है तो ये सी डैश मिलेगा, ये फाइव डैश मिलेगा। अगर ये टोटल स्ट्रेस है आपका, अगर यस, अगर ये हमारा क्या है टोटल स्ट्रेस है, तो टोटल स्ट्रेस केस में फिर आपको ये कैसा मिलेगा, टोटल शेयर पैरामीटर्स मिलेंगे, दैट विल बी सी और फाइव, इस तरीके से मिलेगा। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इस केस में, दैट इज अबाउट
वो यहाँ पर ये बताना है आपको कि इसमें आपका व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। यस, तो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करना है पूरा ये मोर सर्कल पढ़ पढ़ा के, वो हमें इसमें यहाँ पर ये पढ़ना रह जाता है कि व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, तो इसके हमारे डीमेरिट्स क्या है, इसमें हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आप बताइए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी मोर सर्कल में लिमिटेशन आपको क्रिएट करती है इस मेथड में। यस, तो देखिए अलग अलग लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस। यस, व्हाट विल बी द लिमिटेशंस फॉर दिस। सबसे पहला तो आपको ये पता है कि जो फेलियर हो रहा है बार बार सेम प्लेन से हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वीकेस्ट ही हो। यस, फेलियर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सेम प्लेन एंड इट विच मे नॉट बी द वीकेस्ट, वो हो सकता है वीकेस्ट हो सकता है वीकेस्ट ना भी हो। यस, तो फेलियर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सेम प्लेन अगेन एंड अगेन, दैट इज प्री डिफाइंड। तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि फेलियर इज टेकिंग प्लेस, फेलियर इज टेकिंग प्लेस, यस फेलियर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम ए प्री डिफाइंड फेलियर प्लेन। यस, फ्रॉम ए प्री डिफाइंड फेलियर प्लेन विच वो, तो हमारा बार बार वहीं से फेलियर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वीकेस्ट ही हो। यस, विच मे नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन, जरूरी नहीं है कि वो प्लेन कैसा हो, वीकेस्ट ही हो। विच मे नॉट बी द वीकेस्ट, विच मे नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन। तो फेलियर हमेशा हमारा वीकेस्ट प्लेन से होगा, और जरूरी नहीं है कि जो फेलियर हो रहा हो जो, और वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही निकल कर जाए। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ऑलवेज नेसेसरी कि वो प्लेन हमेशा क्या हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही हो। क्लियर टू ऑल, याद रखिए बातें क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर फोकस करें तो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट देखिए, अगला हमारा पॉइंट है कि यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है पोर प्रेशर को मेजर करने का। यस, देयर इज नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर प्रेशर, there is no mechanism to measure pore pressure. तो pore pressure को measure करने के लिए यहाँ पर आपके पास कोई भी mechanism available नहीं है। Next अगर हम लोग देखें, आप drainage को भी control नहीं कर सकते हो यहाँ। Yes, you cannot control drainage condition. Drainage को जैसा होना है वो वैसा ही होगा। मतलब अगर सॉइल इस तरह की है कि ड्रेनेज नहीं हो सकता है तो फिर नहीं होगा। अगर सॉइल हमारी सैंड है, ड्रेनेज होना होगा, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ड्रेनेज हो के जाएगा। ठीक है, तो ड्रेनेज कंडीशन आप, देयर इज नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्राई एक्सल में कर पाएंगे। यस, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो कंट्रोल ओवर ड्रेनेज पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। क्लियर टू ऑल, याद रखी बातें क्लियर है, ड्रेनेज पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फेलियर प्लेन जो है, अचानक से वहां पर फेलियर हुआ है, प्री डिफाइंड फेलियर प्लेन है। यस, वहां पर फेलियर हुआ है, जो स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉट नॉन यूनिफॉर्म रहता है। यस, आप नॉर्मल स्ट्रेस दे रहे हो, एक प्लेन पे शेयर दे रहे हो, तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करें तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर प्लेन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट फेलियर प्लेन इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसा रहता है? नॉन यूनिफॉर्म रहता है। थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहेंगे हर एक पॉइंट पर, धीरे धीरे हर एक पॉइंट हम लोग समझेंगे। यस, अगला अगर देखें तो यहाँ पर हमें स्ट्रेसेस सिर्फ फेलियर पॉइंट पे पता है, बीच में हमें कुछ नहीं पता पता है। हम लोग यहाँ पर इसीलिए जो मोर सर्कल है वो सिंगल पॉइंट से बनाने में बहुत डिफिकल्ट रहता है। यस, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि कम से कम दो ऑब्जर्वेशन चेयर होता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ मोर सर्कल From single observation. Non-uniform कैसे हुआ? बेटा जब आपकी स्ट्रेस आप यहाँ पर दे रहे हो, यस, दिस
इस प्लेन पे आप सबसे पहले देखो, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी एट द टाइम ऑफ फेलियर। यस, आपको लग रहा है कि आपका एरिया कॉन्स्टेंट हैगा, पर एरिया कॉन्स्टेंट होगा क्या? आप जो यहाँ पर बार बार एरिया से डिवाइड कर रहे हो, दे आर डिवाइडिंग दिस बाय एरिया, इस वाले एरिया से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों में। देखिए नॉर्मल निकालते समय एरिया हम लोग ये लिख रहे हैं और ये भी, तो क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? इज इट एक्चुअली पॉसिबल? तो एरिया विल बी व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म। अगर एरिया नॉन यूनिफॉर्म है सेम लोड के लिए, तो स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यस, दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म जैसा आपको लग रहा है। यहां तक की बातें क्लियर है? इफ यू हैव एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट, यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट, यस, क्लियर टू ऑल? चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा पूरा टेस्ट हम लोगों ने बातचीत करी है, इसके हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, विल क्वेश्चन डू दिस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस देखेंगे और वापस हम लोग कल इसमें आएंगे जब हम लोग ये पढ़ चुके होंगे कि कितनी तरीके के अप्रोचेस होते हैं। एक्चुअल में जो सी और फाइव निकाल रहे हैं ना, दीज आर नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सी और फाइव जो हमारे होते हैं शियर पैरामीटर्स, दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द ड्रेनेज कंडीशन, ये हमारे ड्रेनेज कंडीशन पर डिपेंड कर जाते हैं। यस, एंड ऑल अदर डिफरेंट पॉइंट। तो ये आज हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट पर पढ़ेंगे। जब हम लोग ट्राइएक्सियल टेस्ट पढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स को और पहले से ज्यादा फोकस करेंगे कि सी और फाई हमारा ड्रेन्ड क्या होगा, ड्रेन्ड शियर पैरामीटर्स क्या होंगे, अनड्रेन्ड शियर पैरामीटर्स क्या होंगे, और तब हम लोग वापस इसी पॉइंट पर आएंगे कि भैया इसमें कैसी कैसी कहानी होती है। यस, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और बातें देखते हैं। तो अगला टेस्ट है हमारा वेन शियर टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। छोटा सा टेस्ट होता है वेन शियर टेस्ट, इसमें हमारी वेन्स होती हैं, दीज आर द वेन्स जिनको हम लोग इंसर्ट करा देते हैं सॉइल में। यस, वी इंसर्ट दिस वेन्स इन द सॉइल, सॉइल में हम लोग इंसर्ट करा देते हैं और यहाँ ऊपर से हम लोग देते हैं टॉर्जन, वी अप्लाई टॉर्जन फ्रॉम हियर, यहाँ ऊपर से हम लोग इसमें दे देते हैं टॉर्जन। यस, वी अप्लाई टॉर्जन, यहाँ से टॉर्जन दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी वेन्स में ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट विल बी विजिबल टू यू। Yes, this part will also be visible to you. This will be visible to you. और यहां से यहां तक की कहानी भी visible. This is the case. Yes. और इसके पीछे का पार्ट ये हमारी वेन्स जाएंगी और ग्राउंड लेवल में हम इसको इंसर्ट करा देते हैं, insert it in ground level. ये हम लोग ग्राउंड लेवल में क्या करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। This is the case. Yes. जब आप इनको ग्राउंड लेवल में इंसर्ट करा देते हैं और उसके बाद ऊपर से टॉर्क देते हैं तो कुछ कुछ होता है। यस, फेलियर होगा सॉइल में नीचे, जब आप घुमाओगे तो शुरुआत में घूमेगा नहीं, किसी पर्टिकुलर टॉर्क के बाद ये घूमना स्टार्ट करेगा। यस, जब इनिशियली आप इंसर्ट करोगे तब ये नहीं मूव करेगा, तब ये हमारा टॉर्क आप देते जाओगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट के टॉर्क के बाद हमारा इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो वो जब मूवमेंट स्टार्ट होगा उसी समय पर सॉइल फेल करेगी। यस, तो वो जिस समय पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ मतलब वो घूम जाए उसके लिए जितना टॉर्क हमें देना पड़ गया, अगर हम लोग उस टॉर्क की वैल्यू निकाल लें, उस टॉर्क से हम लोग अपने स्ट्रेस को डिफाइन कर दें, स्ट्रेस को अगर हम लोग रिलेट कर ले जाए तो हम लोग बता पाएंगे कि फेलियर प्लेन पे स्ट्रेस कितना रहा होगा, और अगर हम लोगों ने ये बता लिया कि फेलियर प्लेन पे स्ट्रेस कितना रहा होगा देन वी कैन फाइंड आउट द शियर स्ट्रेंथ। यस, हम लोग शियर स्ट्रेंथ बता पाते हैं। तो जरा एक एक करके पॉइंट्स पहले लिखते हैं। यस, इसको समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं कि मान लीजिए We have inserted, ये veins है इसमें, we have veins in this, हमने इसको insert करा और rotate करा। जब rotate करेंगे तो एक particular amount of torque लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला important point ये है कि कितना torque हमें लगाना पड़ रहा है, that we should know. Yes? तो हमने ये इनको insert करा, veins we have inserted. Insert करने के बाद यहाँ blades हैं, आपको एक particular amount of torque लगाना पड़ेगा to move it. Yes? कितना torque लगाना पड़ गया to move it? जिस समय पे ये मूव कर रहा होगा मतलब ये वाला जो सॉइल का अंदर का प्लेन है और जो हमने यहाँ से फेलियर कराया है, इन दो ये मूव कर गया मतलब एक ने दूसरे का साथ छोड़ दिया, एक ने दूसरे का साथ छोड़ दिया मतलब वो फेल कर गया, है ना, इनके दोनों का बॉन्ड हमारा टूट गया। तो वो फेलियर के समय पे कितना स्ट्रेस लगाया, फेलियर के समय पे कितना स्ट्रेस लगाया वही निकाल लिया तो वही आपको क्या देगा, स्ट्रेंथ, दैट विल बी स्ट्रेंथ ओनली। यस, फेलियर कराने के लिए कितना स्ट्रेस लगाना पड़ा, दैट विल बी स्ट्रेंथ ओनली। तो हम लोग यहाँ पर वही वैल्यू निकालेंगे कि स्ट्रेंथ की कितनी होगी। यस, तो आप सबसे पहले हम लोग एक एक करके पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, इसमें पॉइंट्स क्या क्या होंगे एंड देन वी विल राइट। तो सबसे पहला क्या है कि इसमें भी कोई पोर प्रेशर को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, कोई ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसमें जो कंडीशन होती है अनड्रेन कंडीशन हो जाती है। ये हमारा जो टेस्ट होता है सूटेबल होता है सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेस के लिए। यस, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेस के लिए जैसे कि मैराइन क्लेस,
सबसे पहले एक पॉइंट लिखते हैं कहां पर ये करते हैं, तो सूटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेज। यस, किसके लिए सूटेबल रहता है? तो इट इज सूटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्लेज, जैसे कि मैराइन क्ले, राइट, मैराइन क्ले। यस, उनकी हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, और वो भी कौन सी? टू फाइंड अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ मिलती है इसमें से, क्योंकि क्ले है, ड्रेन हो नहीं पाएगा, और ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं है, पोर प्रेशर को मीजर नहीं कर सकते हैं, है ना, नो मैकेनिज्म टू मीजर पोर प्रेशर, देयर इज नो मैकेनिज्म इज अवेलेबल, नो मैकेनिज्म टू मीजर पोर प्रेशर। पोर प्रेशर को मीजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता आपके पास में, ठीक है, मैराइन क्लेज में हम लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर नेक्स्ट देखें तो ये हम लोग लैब में भी कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं। यस, वेन शेयर है, दैट कैन बी कनेक्टेड इन लैब एज वेल एज फील्ड। आप बताइए कि क्या फर्क आएगा? तो मैकेनिज्म तो सेम रहेगा दोनों में, आप ऊपर से फोर्स लगाओगे, टॉर्क लगेगा, नीचे जिस समय फेलियर होगा टॉर्क टी को टाउ से हम लोग रोटेट मतलब रिलेट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो जो भी फर्क आएगा वो आएगा किसका? आपका वेन के साइज का। यस, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस विल बी द देयर, वो होगा हमारे उसके साइज का। यस, ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख लेते हैं। दिस कैन बी टेस्ट कैन बी कंडक्टेड टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन लैब एज वेल एज फील्ड। टेस्ट को हम लोग लैब में भी कर सकते हैं, टेस्ट को हम लोग फील्ड में भी कर सकते हैं। यस, तो टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन लैब एज वेल एज फील्ड। जो भी डिफरेंस आएगा मैकेनिज्म सेम रहेगा। यस, मैकेनिज्म विल बी सेम मैकेनिज्म सेम रहेगा, ओनली साइज ऑफ वेन वेन का साइज डिफरेंट रहेगा, साइज ऑफ वेन विल बी डिफरेंट। साइज ऑफ वेन हमारा डिफरेंट रहेगा। क्लियर है यहां तक की बातें? यहां तक में कोई डाउट है? बोलो भैया। नेक्स्ट पॉइंट और समझे, तो हम लोग जब रोटेट करते हैं तो वेन को हम लोग वेन में टॉर्क लगाते हैं इस तरह से कम 6 डिग्री पर मिनट में मूव करें, ऐसा नहीं जितना मर्जी चाहे उतना टेस्ट कर रहे हैं। तो बोले वेन को इंसर्ट कराते हैं, वेन इज इंसर्टेड, वेन इज इंसर्टेड इनटू ग्राउंड। यस, एंड टॉर्क हम लोग अप्लाई करते हैं, दिस इज द टॉर्क, हम लोग टॉर्क यहां पर अप्लाई करते हैं, एंड टॉर्क इज अप्लाइड। यस, तो वेन इज इंसर्टेड इनटू ग्राउंड एंड टॉर्क इज अप्लाइड। अब अगर हमारा टॉर्क अप्लाई करते हैं तो टॉर्क इज अप्लाइड सच दैट किस तरह से 6 डिग्री आपका जो मूवमेंट हो, दैट इज किस तरह से हो, 6 डिग्री का मूवमेंट हो पर मिनट में। यस, 6 डिग्री टॉर्क इज अप्लाइड बाई रोटेटिंग, इस तरीके से लिखिए, रोटेटिंग वेन्स एट द रेट 6 डिग्री पर मिनट, इस तरह से हम लोग रोटेट करते हैं। यहां तक की बातें क्लियर? कोई डाउट पूछना चाहते हैं? सर लैब में कैसे करेंगे? सेम, अरे वेन्स है आपकी, ये जो सॉइल सैंपल है आपके पास, देयर इज अ मैकेनिज्म, आपका ये आपका कास्ट करिए, सॉइल सैंपल है आपकी, वेन है, आपने उसमें डाली फॉइल के अंदर, वेन छोटी होगी आप रोटेट कर दोगे, आपको वहां पे टॉर्क मीजर हो जाएगा। आप समझिए लैब भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि सर बड़ी सी वेन होगी तो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं साइज हमारा छोटा हो जाएगा। तो जब लैब में रहोगे, सॉइल सैंपल है, छोटा सा सॉइल सैंपल है आपके पास, यस यू हैव टेकन, आपका मान लीजिए सर्कुलर बाउंड्री में आपने सॉइल सैंपल रख रखा है, आपने वेन्स लिया, छोटी सी वेन से डाला और घुमा दिया। यस, तो आपने कितने से घुमाया है तो आपका वहां कितना टॉर्क लगाया है वो आपको मीजर कर जाएगा। 6 डिग्री पर मिनट से घुमाया आपने तो कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ा उसको रोटेट करने के लिए, वो आप यहाँ पर मीजर कर लो। यस, अब हम कैसे मीजर करेंगे सर? तो एक्चुअल में वेन में क्या होता है, वेन को हम लोग एक स्प्रिंग से जो है कैलिब्रेट करके रखते हैं, स्प्रिंग लगी होती है,
जब आप उसको रोटेट करोगे तो उसमें साथ में स्प्रिंग में हमारा आएगा कि कितना डिग्री रोटेट हुआ है ना, एंगुलर रोटेशन कितना दिया है आपने, यस। और उसका हमारा उसमें कोफिशियंट होगा कि स्टिफनेस, उसका स्टिफनेस होगा टॉर्सनल स्टिफनेस, तो टॉर्सनल स्टिफनेस और मैं थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे आपका टॉर्क आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक स्टिफनेस होती है जो हमारी एक वेन जो हमारी होती है, कैलिब्रेट करते हैं वेन को, कैलिब्रेट करते हैं वेन इज कैलिब्रेटेड टू ए स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से कैलिब्रेट करके रखते हैं लाइक ड्रिल। ड्रिल मतलब इन द सेंस, किस सेंस में बोलना चाह रहे हो ड्रिल? ड्रिल तो क्या है, आप ऐसे करके फोर्स दे रहे हो, पंच कर रहे हो किसी चीज को अंदर, यस। यहां क्या है, पंच कर दिया, अब रोटेट कर रहे हो साथ में, जब रोटेट करोगे तो वो रोट, भाई समझिए, एक है आपका, आप देखिए दो अलग अलग बातें कर रहे हैं। 6 डिग्री पर मिनट का रोटेशन कैसे देंगे, देखो ध्यान से देखो, एक एक करके बता रहा हूं। पहले ये देखो, आपका आप ये ड्रिल कर रहे हो, आप इसमें कहीं ना कहीं ड्रिल कर रहे हो अंदर जाने के लिए, यस। यहां पर क्या है, अंदर तो चले गए हैं, अंदर जाने के बाद ये मूवमेंट कराना है, मतलब ये वाला जो प्लेन है और उसके बगल में जो सॉइल है, ये शियरिंग, यहां पर शियरिंग कर रहे हो, यहां पर पंचिंग कर रहे हो, अलग अलग चीजें। 6 डिग्री पर मिनट का रोटेशन कैसे, अरेंजमेंट है वो तुम्हें नहीं देना है, वो टॉर्क है, वहां पर आपको दिखा है। अब भाई आपके पास जैसे कि ऊपर इसमें क्या लगा होता है, यहाँ पर एक ऐसे डायल गेज दिखा जिसमें आपको डिग्रीज दिख रही है, यस। तो आपको वहां पर इतनी जो है, या तो आप क्या करिए, मशीन का इस्तेमाल करिए, है नहीं, तो अगर आप हाथों से कर रहे हैं तो एक आपको ऐसा करना है धीरे धीरे। मान लीजिए आपके पास कितने मिनट है, 60 मिनट है, 60 सेकंड है, वॉट यू हैव, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और आपको 60 सेकंड में कितना डिग्री रोटेट करना है, 6 डिग्री रोटेट करना है, मतलब 10 सेकंड में कितना रोटेट करना है, 1 डिग्री रोटेट करना है, मतलब 1 सेकंड में कितना रोटेट करना है, 0.1 डिग्री करना है, आगे समझ में। तो हर सेकंड में आपको 0.1 डिग्री रोटेट करते हुए चले जाना, यहाँ पर आपका डायल गेज में आपको दिखेगा आपने कितना रोटेट किया है, यस। मान लीजिए ये 1 डिग्री है, इसके अंदर भी आपको वैल्यूज होंगी, तो धीरे 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 करते चले जाएंगे, 1 मिनट में हमारा कितना 6 डिग्री टोटल रोटेट होना चाहिए, क्लियर। मतलब आपको टोटल 6 डिग्री नहीं करना है, आपको ये करना है कि जिस समय पे रोटेट, मतलब जिस समय पे फेलियर हो गया, तो उस समय पे फेलियर जिस समय पे सॉइल का हुआ है उस समय पे कितना डिग्री हो गया है, ये आपको रोटेट करना है। तो वो आपको थीटा रोटेट करना है, यहाँ पे थीटा रोटेट करना है, हमें लग रहा है यहाँ पर ये वाला बात क्लियर है, एक एक करके बोलते जाओ। ड्रिल वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आपका 6 डिग्री पर मिनट का रोटेशन कैसे देंगे बता दिया भाई, 60 पर मिनट मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री, मतलब 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 10 सेकंड में कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 1 मिनट, 60 सेकंड्स में 6 डिग्री, तो 10 सेकंड, हाँ 10, हर सेकंड में, हर 10 सेकंड में 1 डिग्री, तो हर सेकंड में 0.1 डिग्री आप देते चल जाओ, क्लियर। अरे बोलो भाई, क्लियर। दूसरा रेखा डन, तो यहाँ पे आपकी ये कैसे देना है, ये अब उसके आगे का समझ लो। तो वेन इज कैलिब्रेटेड, वेन को कैलिब्रेट करके रखते हैं टू ए स्प्रिंग, स्प्रिंग पे जिसका हम लोगों को टॉर्सनल स्टिफनेस दिया होता है, यस, टॉर्सनल स्टिफनेस हमें दिया होता है, टॉर्सनल स्टिफनेस उसकी वैल्यू कितनी है, के। तो इसकी टॉर्सनल स्टिफनेस की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज के। तो यहां पर हमारा वैल्यू आ जाता है कि टॉर्जन कितना पर देना पड़ेगा, तो आप फेलियर के समय पे एक्स नोटेड थीटा रोटेट कर लो, तो थीटा इनटू में के आप रोटेट कर लोगे कि थीटा की वैल्यू कितनी आई है, यस, आपने कितना थीटा दिया है, यू व्हाट थीटा यू हैव गिवन, यस। तो टॉर्क हम लोग शियर फेलियर प्लेन पे हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, थीटा हमारा होता है एंगुलर रोटेशन ऑफ वेन एट विच कंप्लीट शियर फेलियर ऑकर कर गया। तो यहां पर थीटा क्या है, थीटा है एंगुलर रोटेशन, यस, थीटा विल बी एंगुलर रोटेशन ऑफ वेन्स, एंगुलर रोटेशन ऑफ वेन्स एट विच कंप्लीट शियर फेलियर आपका हो गया, कंप्लीट शियर फेलियर डन। तो जहां पर फेलियर हुआ है वहां पर समझना बहुत ध्यान से, फिर से भाई आपने इसको रोटेट करा, अब फिर से आप अच्छे समझ में आएगा, आपने इसको यहाँ पे अंदर डाल दिया, अब आप इसको रोटेट कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो तो कितना डिग्री मूव कर रहा है, बोले हर सेकंड में 0.1 डिग्री मूव करना है, हर सेकंड में 0.1 डिग्री मूव करते जा रहे हो, मूव कर, अभी फेलियर नहीं हो रहा है, सॉइल एक दूसरे को पकड़ के रखा हो, एक समय पे आपको दिख गया कंप्लीट फेलियर हो गया, जिस समय पे कंप्लीट फेलियर हुआ समय पे डिग्री नोट रोटेट कर, डिग्री नोट कर लो, मान लो आ गया 2 डिग्री आ गया, 2 डिग्री आ गया, स्प्रिंग का हमको बताएगा जिससे स्प्रिंग खरीद के लाए होंगे, जिससे ले लेके आओगे, इससे के का वैल्यू कैसे पता पड़ेगा हमको, प्रभु माफ कर दो, के का वैल्यू तुमको दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग कोई सामान लेकर के आएंगे, यस,
वेन हम लोग जब कोई सामान लेकर के आएंगे तो हमें बताएगा कि उसमें कॉन्स्टेंट कितना है कि अब उसको कैसे पता पड़ा होगा सर, उसको कैसे पता पड़ा होगा, तो कोई स्प्रिंग है मान लीजिए, इसका के हमें पता करना है, यस। तो ये आप इस टेस्ट में ये आप नहीं पता करोगे, इस टेस्ट में आपको पता पढ़ के बताएगा उसके लिए, अब जिसने आपको दिया होगा उसने कैसे पता करा होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैलिब्रेशन चार्ट। यस, कैलिब्रेट करते हैं स्प्रिंग को। कैसे बोले, यहाँ पर स्प्रिंग बराबर मतलब होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। यस, हम लोग देखते हैं कि अगर हमने एक किलो न्यूटन, एक न्यूटन का फोर्स दिया तो यहाँ पर कितना डिफॉर्मेशन हुआ, नोट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का। यस, एक्सटेंसोमीटर लगा करके हमने देखा कि 0.02 हो रहा था। यस, फिर हमने दो न्यूटन का दिया तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर डिफॉर्मेशन कितने का हो रहा था, बार 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 हम लोग करते गए चले गए, और फोर्स और स्प्रिंग में एक हमने लाइन बना ली, उसमें देखा कि एक स्लोप आ रहा होगा, के स्लोप हो गया फोर्स, और देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स, y हो गया फोर्स, x हो गया डिस्प्लेसमेंट, x इज द इनिशियल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट देते जाओ कितना फोर्स आ रहा है, तो हमारा स्लोप जो होगा दैट विल बी द k। पर ये आपको नहीं करना है, यस yes? ये आपको यहाँ नहीं करना है, k आपको पता पढ़ के आएगा, k आपको बताएगा यहाँ पर टॉर्सनल स्टिफनेस विल बी गिवन टू यू। यस, और टॉर्सनल स्टिफनेस जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आएगा उसकी पता होगी, हम लोग नोटेट करेंगे कि थीटा कितने में फेल हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा टॉर्क कितना है। जैसे कि क्योंकि पैरामीटर देखो, फोर्स बराबर क्या है, के इंटू एक्स, तो ये तो लीनियर है, वैसे ही अगर टॉर्सनल स्प्रिंग है तो टॉर्सनल में थीटा, तो टॉर्क किसके बराबर हो जाता है, के इंटू में थीटा। इस तरीके से हम लोग सारी चीजें कर लेते हैं। हाँ बोलो भाई, अब हाँ बोलना पड़ेगा। यस, हाँ बोलोगे भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ध्यान दें तो अब आपको पता पड़ गया कि टॉर्क कितना देना पड़ा है। यस, आपको ये पता पड़ गया कि टॉर्क कितना देना पड़ा है, ठीक है। तो आप उसी की हेल्प से, आप उस टॉर्क की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट टॉर्क ओनली, व्हाट यू विल डू, आप निकालोगे कि देखो कितना टॉर्क, कितना टॉर्क देना पड़ेगा, जितना यहाँ पर इसके बीच में ये जो गोल गोल बन रहा है सरफेस, इस वाले गोल गोल और इसके अगल बगल वाले गोल गोल में जो ये वाले सर्फेस, इनके दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है। यस, तो जितना टॉर्क होगा उतनी, जितना आपका बॉन्ड होगा इनके बीच में उतने के हिसाब से टॉर्क देना पड़ेगा। जिस समय पे फेलियर हो रहा होगा तो आपने निकाल लिया फेलियर किस समय पे हो रहा है, इतने पे, तो उस समय पे कितना टाउ होगा बस उतना निकालो, वही हमारा शियर स्ट्रेंथ होगा। तो अब हमको टॉर्क को टाउ से डिनोट करना है। यस, अब इसमें दो तरीके की मैकेनिज्म होती है, एक होता है हमारा टू वे शियर, वन इज व्हाट टू वे शियर। टू वे शियर का मतलब है वेन्स, पूरी दोनों वेन्स ग्राउंड लेवल के अंदर है। यस, टू वे शेयर का मतलब होता है दोनों ही वेन्स आपकी ग्राउंड लेवल के अंदर है, दोनों तरफ से शेयर हो रहा है, फोकस करना इसमें। ये हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट क्या है कि जब आप इसको रोटेट करो, यहां से तो मिल ही रहा है, यहां से भी शेयरिंग मिल रही है, यहां से भी रेजिस्टेंस मिल रहा है और ऊपर से भी मिल रहा है। यस, तो जमीन के अंदर जब आपने कर दिया तो इसको बोलते हैं टू वे शेयर। क्या बोलते हैं, दिस इज रिफर्ड एज व्हाट, टू वे शेयर, उसको हम लोग बोलते हैं टू वे शेयर। यहां तक की बातें क्लियर है। अब अगर ये टू वे शेयर है, अब आप बताओ टॉर्जन को हम लोग स्ट्रेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट टॉर्जन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। टॉर्जन को अगर हम लोग स्ट्रेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, हाउ वी कैन राइट टॉर्जन इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। टॉर्जन को स्ट्रेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टू वे शेयर का केस है, दिस इज द केस फॉर टू वे शेयर। तो टॉर्जन को हम लोग स्ट्रेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाउ वी कैन राइट, यस हाउ वी कैन राइट, फटाफट बताएंगे टॉर्जन को स्ट्रेस के फॉर्म में लिख करके बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बातचीत करें सर, तो देखिए यहां से भी स्ट्रेस मिल रहा होगा इन दोनों जगहों से, और अगल बगल से भी मिल रहा होगा, ऊपर नीचे अगल बगल हर जगह से मिल रहा होगा, बोलो हाँ या ना, हर तरफ से उसको मिल रहा होगा, बोले हाँ सर मिल तो रहा होगा। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो अगल बगल से जो मिल रहा होगा वो एक तो अगल बगल से मिल रहा होगा, यहां से अगर ये हमारा वेन्स में देखो सिलेंड्रिकल है, पूरा सिलेंड्रिकल जैसा घूम रहा होगा, इधर उधर से मिल रहा होगा, दिस इज द, हर जगह पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा, यस और नो, हर जगह पे स्ट्रेस आ रहा होगा। चलिए तो टॉर्क को हम लोग कैसे नोट कर देते हैं, टोटल टॉर्क जो लगाना पड़ेगा एक लगा देते हैं वन के बराबर जो अगल बगल से मिल रहा होगा, और दूसरा लिख देते हैं प्लस टू के बराबर जो ऊपर नीचे से मिल रहा होगा, ठीक है। टी वन और टी टू समझ में आ गई, टी वन टी टू क्या है, टी वन है जो हमारा अराउंड का साइड से मिल रहा है, साइड से, और टी टू मतलब क्या है, जो टॉप और बॉटम से मिल रहा है। टी वन मतलब है जो साइड से मिल रहा है टॉर्क,
साइड को मतलब साइड को फेलियर कराने के लिए जो टॉर्क लगाना पड़ रहा है साइड्स के लिए, और T2 जो मिल रहा है दैट इज टॉप और बॉटम के लिए। यस T2 इज फॉर टॉप एंड बॉटम। क्लियर है यहां तक की बातें? बोलो भाई एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट? बोलना पड़ेगा। याद रखी बातें क्लियर है? वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे सभी लोग? यस वीडियो को लाइक कर दीजिए एवरीवन फास्ट। क्लियर? चलिए अब अगर हम लोग यहां पर फोकस करें तो सबसे पहले हम लोग निकाल फोकस करना टॉर्क वन की बातचीत करते हैं। वी विल टॉक अबाउट टॉर्क वन। टॉर्क वन कितना लगेगा जो टॉर्क साइड्स के अबाउट लगाना पड़ेगा? तो देखिए टॉर्क है, टॉर्क विल बी इधर से फोर्स, रेजिस्टेंस कितना मिलेगा देखो, तो इन दोनों के बीच ये वाले लेयर और ये वाले लेयर के बीच में कुछ शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। हाँ तो शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, तो पहले फोर्स बनाओ। यहां पर पहले स्ट्रेस कितना लग रहा होगा वो देखने से अच्छा है फोर्स बनाओ। यहां पर क्या बनाओ, व्हाट बी द फोर्स? तो फोर्स कैसे मिलेगा बोले, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स कैसे मिलेगा? स्ट्रेस इंटू एरिया। बोलो हाँ या ना? ये दो चारों तरफ से जो मिल रहा होगा, इधर से भी इतना ही मिलेगा, इधर से भी इतना ही मिलेगा, सेम मिलेगा। अभी बोलो हाँ या ना? सर्कुलर है तो हमारा स्ट्रेस हमारा जो होगा उसकी मैक्सिमम फेलियर प्लेन पे टाउ एफ लग रहा होगा। फेलियर प्लेन के समय पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? टाउ एफ। तो फोर्स कितना होगा? टाउ एफ इनटू में एरिया। व्हाट वी कैन राइट हियर इज टाउ एफ जो भी होगा और जो भी इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ साइड, पूरे इसके साइड का एरिया। ये तो आ गया हमारा फोर्स। और टॉर्क होता क्या है? ये जो शियर फोर्स है इनटू में जो इसका डिस्टेंस होगा। यस शियर फोर्स जो भी लग रहा होगा इनटू में जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस मतलब जो रेडियस होगा। अबे बोलो हाँ या ना? जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इनटू में हमारा क्या कर देंगे, एरिया के साथ में इनटू में क्या कर देंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कितना है? सिर्फ बाहर बाहर लग रहा है। बाहर चाहे जो सा पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लो, वो बाहर बाहर का, ये वाले पॉइंट लो, ये कोई भी पॉइंट बाहर का लोगे तो व्हाट यू विल गेट हियर, आर आर दूरी होगी। अगर ये हमारा डी का है, इसका डायमीटर डी है और इसकी हाइट एच है, हाइट कितना एच, तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, डी बाई टू। जल्दी बोलो हाँ या ना? वी कैन मल्टीप्लाई हियर बाय डी बाई टू। वी कैन मल्टीप्लाई विद द वैल्यू डी बाई टू। यस और नो? रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर हम लोग और इसको अगर खोल करके लिखना चाहें तो कितना आ सकता है, दैट विल बी टॉर्क फेलियर प्लेन पे। एरिया साइड का कितना है तो बोलो पाई डी। अबे इसका सिलेंडर के बाहरी एरिया कितना होगा, पाई, पाई इंटू में डी, डी इंटू में एल, एल मतलब होता है हाइट, बस खत्म काम। पाई डी एल, पाई डी एल, एल मतलब हाइट है यहां पर और इनटू में डी बाई टू, दिस इज द केस। ये आपका आ गया वैल्यू। तो टॉर्क वन हमारा इतना लग रहा होगा। कोई डाउट हो तो पूछिए, इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट। यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलिए। यस तो पाई डी एच बाई टू इनटू में वापस से डी। यस क्लियर टू ऑल? यहां तक में कोई डाउट है? यस तो आपका यहां पर जितना भी टाउ आपका जनरेट हो रहा होगा वही टाउ हमारा क्या होगा, टाउ फेलियर ही हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ के बराबर होगा। यस व्हाट एवर विल बी द टाउ फेलियर दैट विल बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ओनली। यस तो टाउ फेलियर विल बी इक्वल टू द स्ट्रेंथ ओनली। यहां पर वो स्ट्रेंथ के बराबर आपका दिस वैल्यूज विल बी व्हाट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जितने हमारा फेलियर के समय पर जो स्ट्रेस लग रहा होगा वही तो स्ट्रेंथ होगा। यस और नो? तो ये इस तरीके का आपका बन रहा होगा यहाँ पर लाइक दिस, इस तरीके का आपका डायग्राम यहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है अब फोकस करेंगे साइड्स को देखते हैं, साइड्स को T1 साइड्स T2 को देखते हैं, T2 को। तो पहली बात तो सर D/2 होगा ना, D/2 तो करा, तो D/2 होगा ना, D/2 करा और पाई डी एल अंदर भी, अंदर D/2 क्यों होगा भाई सर, इसका वो क्या होता है, 2πr, 2πr इंटू में h, वही तो लिखा है 2r का मतलब होता है d, तो 2r का मतलब होता है d, D/2 क्यों होगा बेटा, सर पूरा लोगे ना कर्व सरफेस एरिया पूरा, ठीक है
ऑल क्लियर अप टू दिस पॉइंट, याद रखने सब क्लियर है? आई होप क्लियर टू यू। बोलो भाई। क्लियर? टी टू की बात करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। टी टू का इसका बॉटम का एरिया एक सर्कुलर के जैसा होगा, देखो जरा नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं, जिसका बॉटम होगा वो सर्कुलर होगा, टॉप भी होगा सर्कुलर होगा। फेलियर के समय पे हर जगह पे टाउ एफ ही मिल रहा होगा, फेलियर के समय पे हर जगह पे कितना मिल रहा होगा, टाउ एफ मिल रहा होगा। यस डी बाई टू वाई। अरे बेटा टॉर्क किसके बराबर होता है, यहां से आप टॉर्क लगा रहे हो, यहां से आप टॉर्क लगा रहे हो, तो टॉर्क इसके बराबर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स यहां लग रहा है, यहां पे ये फोर्स लग रहे हैं। यस दिस इज द फोर्स, आप इसको घुमा ऐसा रहे हो, फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो कितना फोर्स और लगा, इतनी दूरी तो लगानी पड़ेगी। दिस वन इज डी बाई टू डिस्टेंस आर, आर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस से, ठीक है आर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर है? देखिए यहां पर अरे आ रहा है डी बाई टू हरीश केस। क्लियर? अब देखिए, अब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो भी डाउट है वो बाद में पूछेगा, पहले इस पे ध्यान दीजिए। हर जगह पे टाउ एफ तो यहाँ पे भी लगेगा, सॉइल और सॉइल के बीच का टाउ एफ तो लगेगा, तो टाउ एफ तो यहाँ लग रहा होगा। यस टाउ एफ विल बी देयर, टाउ एफ तो यहाँ पे हर जगह पे लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ कहानी बदल जाएगी। यस एक्चुअल कहानी आपकी यहाँ पर चेंज कर जाएगी। क्या चेंज करेगी देखना, देखो सॉइल और सॉइल के बीच में हमारी स्ट्रेंथ तो वही लगती है, हर जगह पे स्ट्रेंथ तो वही होगी। यस yes? पर हमारा यूज कैसे हो रहा है उसको ध्यान से देखना होता है। देखिए आपका यहाँ का लेकिन टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, तो जब बाहर वाली स्ट्रिप ले रहे होगे, व्हेन यू विल टेक आउटर स्ट्रिप, जब आउटर स्ट्रिप पे एरिया देखो तो आउटर स्ट्रिप के लिए लोगे तो क्या होगा, बोले फोर्स कितना होगा, तो बोले इस टाउ एफ के लिए, ये देखो आप रोटेट कैसा कर रहे हो, मान लो ऐसा कर रहे हो, तो ये टाउ एफ इनटू में इसका एरिया, एरिया ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। एरिया कम, एरिया अगर अंदर वाला कम है तो एरिया कम है, फोर्स हमारा कम लगाना पड़ेगा, फोर्स कम आएगा और टॉर्क भी हमें कम लगाना पड़ेगा। यस तो एक्चुअल में यहां पर स्ट्रेंथ हमारी कांस्टेंट नहीं आएगी, स्ट्रेंथ हमारी क्या आएगी, वेरिएबल, स्ट्रेंथ विल बी वेरिएबल हियर। इतनी बातें समझ में आती है, यहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो सबसे पहले अब सर्कुलर के लिए तो करें तो क्या करें, तो जब हमारी स्ट्रेंथ वेरिएबल हो जाएगी, व्हेन योर स्ट्रेंथ विल बी व्हाट, वेरिएबल, तो क्या करोगे, तो भैया एक ही आइटम आता है, क्या आता है, इंटीग्रेशन। तो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल इंटीग्रेट इट। यस आपको इसको क्या कर लेना, इंटीग्रेट, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लो जिसमें ये यहां से यहां कितनी दूरी पे, आर दूरी पे है, एट व्हाट डिस्टेंस आर। यस इसका पहले तो देखो टाउ, अभी खतरनाक तरीके से बातचीत होगी, कोई भी डाउट आएगा आप पूछ सकते हो, पहले टाउ एफ, ओके सर टाउ एफ एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया लिखो। देखिए सर इस स्ट्रिप का एरिया कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों को पता है बीच में किसी भी स्ट्रिप, ये आर डी आर दूरी की है, दिस इज टेकन, आर दूरी पे डी आर की स्ट्रिप लिख ली है, तो इसको हम लोग कट करके सीधा कर दो, बहुत पहले मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। यस कट करके हम लोग क्या कर देते थे हमेशा सीधा। यस तो इसका इसका रेडियस कितना, ये इसका ये उसका पेरीमीटर कितना आएगा, 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी है स्ट्रिप की, डी आर, तो एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर और डी आर, दिस इज द केस, ये तो हमारा हो गया 2 पाई आर डी आर, ये हमारा क्या होगा, टाउ एफ इनटू एरिया, स्ट्रिप का फोर्स लिख लिया। अब आपको आपको टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, बोले स्ट्रिप की दूरी से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द आर, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यस ये स्ट्रिप है, अब इसमें आपको इस स्ट्रिप में कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो से लेकर के डी बाई टू, आपको इंटीग्रेट कहां से करना पड़ेगा, जीरो से लेकर के डी बाई टू। एक और प्रॉब्लम है, टू वे शियर है, जैसा बॉटम में मिलेगा वैसा टॉप में मिलेगा, दो से मल्टीप्लाई और करिए, दो से मल्टीप्लाई और करिए, और यहां देख करके आप समझ पा रहे हो कि कॉर्नर मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा और बीच में आपको स्ट्रेस क्या मिलेगा, कम, तो कॉर्नर पे आपको यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है और बीच में मिल रहा है कम, लाइक दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस।
यस इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा एक्चुअल डायग्राम बनेगा, दिस विल बी डायग्राम। बल्कि इसको इरेज ही कर देते हैं, क्लियर हुआ? और क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यहां तक मैं आपको कोई डाउट हो तो बोलिए, यस इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट। देखिए बातों को समझना बहुत जरूरी है, यस तो आप निकालिए वैल्यू यहां पर कितनी आएगी। दोनों टॉर्क को आप इसको पहले तो इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 टू 4 ये बाहर आ जाएगा, पाई टाउ एफ सब जो बाहर आने वाला है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 टू 4 हो जाएगा, यस 4 हमारा आ जाएगा और टाउ एफ हमारा बाहर आ जाएगा, पाई हमारा बाहर आ जाएगा, यस आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करोगे आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा, आर क्यूब बाई 3 आ जाएगा और आर्क में जब यूनिट लगाओगे तो डी बाई 2 का क्यूब हो जाएगा, दिस इज द केस। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 और 4 8 और ये 2 बचेगा, 2 और 3 टू जा 6, दिस विल गिव यू टाउ इनटू एफ पाई इनटू में डी स्क्वायर अपॉन में 6, दिस इज द केस। चेक कर लीजिए टू वे शेयर के लिए, या 2 किसके लिए मल्टीप्लाई कर रहा है, फॉर टू वे शेयर। तो आप टोटल टॉर्क निकाल लीजिए, टोटल टॉर्क कितना आ रहा है, व्हाट विल बी द टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क 1 की वैल्यू कितनी निकालिए, tau f pi d square h by 2, yes pi d square h by 2 plus the value is tau f pi, आपको दिख नहीं रहा होगा, yes so this will be what pi d square by 6, pi d cube होगा, sorry ये cube होगा ना, this will be cube, यहां पर ये cube आएगा। सर कॉर्नर पे ज्यादा कैसे हो गया, देखिए कॉर्नर पे स्ट्रेस वही है लेकिन टॉर्क आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, यस कैसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, कॉर्नर का एरिया ज्यादा, एट आउटर मोस्ट पॉइंट एरिया इज मोर, एरिया मोर तो फोर्स मोर, देखो एरिया ज्यादा आर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा और रेडियस जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी ज्यादा, तो टॉर्क ज्यादा नहीं हो जाएगा, यस वहां से ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, दैट इज द केस। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वहां पर वो आपको क्या मिल रही होगी, ज्यादा मिल रही होगी, दिस इज दैट एक्चुअल जो कर्व बनेगा वो ये है, एक्चुअल कर्व जो बनेगा वो ये है। बीचों बीच में तो जीरो हो जाएगा, बीचों बीच के लिए देखो जो बीचों बीच में तो एरिया है तो आप इस टाउ देखिए स्ट्रेंथ तो है पर यूज ही नहीं हो रही है वो, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर आपने लिया तो एरिया जीरो करा तो टाउ एफ में आपने जैसे एरिया लिया कोई फोर्स है ही नहीं रेजिस्टिंग फोर्स, जब कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है डिस्टेंस भी जीरो है तो आपका टॉर्क वहां पर जीरो लगाना पड़ेगा, तुरंत हमारा यहीं से रोटेट कर जाएगा। तो बाद वाली के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुरंत वाली सॉइल के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो अभी कोई पंचिंग की बात कर रहा था ना वो सब आ गया आपका यहीं पर, यस तो पंचिंग के केस में शेयर का उतना रोल नहीं रह जाएगा। कोई बोल रहा था ना मेरे को कि सर वो पंचिंग है जैसा क्या, जब आप पंच कर रहे होगे तो वहां पर शेयर की कोई खास बात होगी नहीं क्योंकि जो भी स्ट्रेंथ होगी वो वहीं पर रोटेट कर रहा होगा तो उस ड्रिलिंग के केस में तो वहां मेन आएगा उसकी बियरिंग कितनी, उसकी पंचिंग से मतलब आएगा, शेयर का ज्यादा प्रेशर उसमें नहीं आएगा, शेयर का भी ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर यहां तक की बात है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये है हमारा फेलियर के समय पे कितना स्ट्रेस लग रहा था और जो फेलियर के समय का स्ट्रेस था वही हमारा स्ट्रेंथ के बराबर होगा, दिस विल बी व्हाट टाउ एफ आप ले लीजिए और टाउ एफ विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन में पाई डी स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका एच बाई 2 प्लस आगे वाला बचेगा डी बाई 6, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर टू वे शियर टू फाइंड शियर स्ट्रेंथ इन केस ऑफ वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट के लिए आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, यस डी क्यूब कर दिया था ना, हाँ डी क्यूब हो गया। क्लियर टू ऑल, बोलो भैया यहां तक में कोई डाउट है किसी को, इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, यहां तक में कोई भी डाउट है तो बोलिए फटाफट से, फास्ट एवरीवन वीडियो को फटाफट से लाइक करते जाएंगे, यस हाँ भाई बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को, इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, यहां तक में कोई भी डाउट है तो बोलिए। क्लियर, चलिए तो एक अब इसमें और बचा है, वो किसका बचा है, आपका बचा किसका है, वन वे शेयर का, यस मतलब वन वे शेयर मतलब है टॉप ऑफ द वेन वो ग्राउंड लेवल पे, इज एट द ग्राउंड लेवल और उसमें हम लोग शेयरिंग करा रहे हैं, तब कैसे शेयरिंग होगी, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखें तो वन वे शेयर का हम लोग फोकस करते हैं, विल फोकस ऑन दिस पॉइंट इज वन वे शेयर।
वन वे शेयर। अब मेरे को ये बताना नहीं चाहिए, आपको आंसर देना चाहिए मेरे को, यस वन वे शेयर। इन केस ऑफ दिस वन वे शेयर व्हाट विल हैपन इज, ये जो आपका आपका ये है ये यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया मतलब ऊपर से आपको कोई स्ट्रेंथ मिलेगी ही नहीं, यस देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस अपसाइड। सिर्फ जो स्ट्रेंथ मिल रही होगी वो साइड से मिल रही होगी और बॉटम से मिल रही होगी, यस और नो। जो भी स्ट्रेंथ मिल रही होगी वो कहां से मिलेगी, साइड से और बॉटम से। तो इसको यहां पर अगर हम लोग देखें तो वी विल गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम साइड एंड बॉटम ओनली। तो वन वे शेयर में हमारा क्या है, टॉप जो पोर्शन है, जो टॉप पार्ट है हमारा टॉप वेन का, वो ग्राउंड लेवल पे है। टॉप ऑफ द वेन, टॉप ऑफ द वेन इज एट ग्राउंड लेवल, यस। तो टॉप कहां पर है, टॉप ऑफ द वेन इज एट ग्राउंड लेवल, यस टॉप ऑफ द वेन ग्राउंड लेवल। इसका मतलब है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा होगा, तो रेजिस्टेंस जो शेयरिंग होगी तो वो शेयरिंग हमारी होगी साइड्स में और बॉटम। शेयरिंग विल टेक प्लेस यस एट साइड्स एंड बॉटम पे और साइड्स पे होगी। तो कुल मिला के फॉर्मूला तो देखिए वही आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, वही सब कुछ सेम। टॉर्क वन की वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आएगा, टॉर्क वन हमारा वही आएगा पाइप, सिर्फ यहां पर ये जो टू लगाया था वो नहीं लगेगा, टू हट जाएगा। अगर ये टू हट जाएगा तो ये सिक्स की जगह, देखो भाई टू आपने लगाया था तो टू ने ट्वेल्व को काटा होगा, तो टू अगर आप हटाओगे मतलब टू से इसको डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा ट्वेल्व, यहाँ ट्वेल्व हो जाएगा तो यहाँ भी कितना जाएगा ट्वेल्व, बस इतनी सी बात है। तो आपका बाकी सब सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, टाउ एफ यस पाई यस डी स्क्वायर बाई टू इंटू में एच। दूसरा वाला जो था टाउ एफ पाई डी क्यूब, वहां पे सिक्स की जगह पे आपका कितना आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा, कितना आ जाएगा ट्वेल्व। तो यहां जब इक्वेशन निकालोगे तो टाउ एफ बराबर जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, टॉर्क अपॉन में पाई डी स्क्वायर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एच बाई टू उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेन जो आएगा दैट विल बी डी बाई सिक्स की जगह पे आपका आ जाएगा ट्वेल्व, जो चेंज आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, यस दिस विल बी द चेंज हियर, यस। इस तरह से हमारा आ जाएगा वेन शेयर का आपका फॉर्मूला वन वे शेयर इंडिकेस, यस क्लियर है भैया, यहां तक की बातें, कोई डाउट हो तो बोलिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट, यहां तक में आपको जो भी डाउट्स हो आप बोल सकते हैं, यस। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेन शेयर टेस्ट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, हम लोगों ने डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट देख लिया है, हम लोगों ने यहां पर वेन शेयर टेस्ट देख लिया, यस कोई डाउट है बोलो भैया। अच्छा नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा ये है कि वेन शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए नहीं करते हैं, सेंसिटिविटी निकालने के लिए भी कर सकते हैं, यस इट कैन बी कंडक्टेड फॉर फाइंडिंग आउट सेंसिटिविटी, हम लोग सेंसिटिविटी निकालने के लिए भी यहां पर कर सकते हैं। तो जहां पर हम लोगों ने निकाला है ना कि वेन शेयर टेस्ट होता क्या है, तो इट इज सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, और हम लोग यहां पर टू फाइंड अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ, अनड्रेन्ड अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ लिखना चाहते थे, अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ तो गलत लिख, अनड्रेन्ड इधर वाला वर्ड उधर जोड़ दिया, अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ, यस अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ। और उसके साथ में वी कैन ऑल्सो फाइंड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ क्लेस, यस हम लोग क्लेस की सेंसिटिविटी टी वन, प्लीज रिपीट टी वन देख लीजिए, टी वन मतलब ये वाला दिस पार्ट, देखिए टी वन का क्या केस है, ये हमारी है, इसको हम लोग सॉइल में डाल रहे हैं, अंदर ये डाला पंच किया, पंच करने के बाद हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको जब हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉइल में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी ये क्या है, ये अभी क्या है, फेल नहीं हो रहा है। जिस समय पे फेलियर होगा उस समय पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा होगा, वही स्ट्रेंथ के बराबर होगा, तो उस समय पे जो स्ट्रेस लग रहा होगा हर एक पॉइंट पे सेम लग रहा होगा, यस हर एक पॉइंट पे सेम लग रहा होगा, और हर एक पॉइंट सेम दूरी पे है, आर दूरी पे है, एवरी पॉइंट इज एट सेम डिस्टेंस, हर एक पॉइंट हमारा यहाँ से सेम दूरी पे है, टॉर्क में हर एक पॉइंट यहाँ पे बाहरी वाला सेम दूरी पे है, तो डिस्टेंस हर एक की डी बाई टू है, और फोर्स कितना हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट पे टाउ एफ लग रहा है, और एरिया कितना हो जाएगा, साइड का पूरा एरिया ले लो, साइड का पूरा एरिया प्रॉपर ले लो, साइड का एरिया कितना हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, दैट विल बी पाई डी एच, वो वैल्यू हमारी कितनी है पाई डी एच, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा टाउ एफ इंटू में पाई डी एच इंटू में डी बाई टू, क्लियर, यस एनी डाउट्स बताइए भाई, इफ यू हैव एनी डाउट्स अप टू दिस पॉइंट, यहां तक में कोई डाउट तो बोलिए।
ठीक है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल सेंसिटिविटी निकालने के लिए भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग और देख लेते हैं। हाउ वी विल फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ क्लेज यूजिंग दिस, सेंसिटिविटी हम लोग डिटरमिनेशन हम लोग सेंसिटिविटी का कैसे करेंगे, यस तो विल सी। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं डिटरमिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले किस तरह से डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग बात समझते हैं। यस, सेंसिटिविटी सबसे पहले होती क्या है, तो सेंसिटिविटी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, अनकन्फाइंड स्ट्रेंथ किसकी ऊपर किसकी लिखते हैं, रिमाउंडेड की डिस्टर्ब की, तो ऊपर सॉरी रिमाउंडेड की अनडिस्टर्ब की, तो ऊपर लिखते हैं अनडिस्टर्ब की, ऊपर किसकी लिखते हैं अनडिस्टर्ब की, व्हाट वी राइट हियर इज फॉर अनडिस्टर्ब, यस और नो। अच्छा, क्ले के केस में जो अनकन्फाइंड शेयर स्ट्रेंथ होता है, अभी आप आगे देखोगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर ऊपर लिखते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेंथ मतलब अनडिस्टर्ब की, यस अनडिस्टर्ब ऊपर लिखते हैं अनडिस्टर्ब की और नीचे हम लोग लिखते हैं डिस्टर्ब की, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब, नीचे हम लोग लिखते हैं डिस्टर्ब की, फोकस करना पॉइंट्स पे। अच्छा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोगों ने कल इक्वेशन पढ़ी है, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 टैन स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2 सी टैन 45 प्लस 5 बाई 2, यस और नो। तो हमारा बोलता है अनकन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब कन्फाइनिंग प्रेशर जीरो, अभी आएगा कल वाले में और ज्यादा अच्छे से आएगा, यस। और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं क्ले के लिए, क्ले के लिए फाइव की वैल्यू जीरो, तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रेस आता है वो आता है 2C के बराबर, यस, जो हमारी वैल्यूज आती है दैट इज इक्वल टू 2C होंगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो वैल्यूज आती है वो 2C आती है अनडिस्टर्ब के लिए और अपॉन में 2C आती है डिस्टर्ब के लिए, इतनी बातें समझते हो, यस और नो। सीधे सीधे एक तरफ 2C और दूसरी तरफ 2C डिस्टर्ब का, एक तरफ 2C रिमाउंडेड का, मतलब इतनी सी बात है, एक तो ये बात हो गई, यस। और दूसरा होता है अनडिस्टर्ब्ड की वेन शियर स्ट्रेंथ और डिस्टर्ब्ड की वेन रिमाउंडेड की वेन शियर स्ट्रेंथ, एक तो ये हम लोगों ने कर लिया डिटरमिनेशन। दूसरा क्या है सेंसिटिविटी निकालने के लिए, तो वेन शियर स्ट्रेंथ आप लग दीजिए, ये तो UCS का है अभी जो कल पढ़ोगे। दूसरा है वेन शियर स्ट्रेंथ आपने जो निकाली है, ऊपर किसकी रख दो, ऊपर रख दो अनडिस्टर्ब की, ऊपर किसकी रख दो अनडिस्टर्ब की, यस। और नीचे यहां पर वैल्यू किसकी रख दो, नीचे आप वैल्यू रख दो डिस्टर्ब की, तो हियर वी विल राइट डिस्टर्ब वैल्यू, वेन शियर स्ट्रेंथ, वेन शियर स्ट्रेंथ डिस्टर्ब की, यस। तो देखिए फॉर्मूला तो दोनों में वही आएगा, यस फॉर्मूला तो वही आएगा ना, क्या बोले सर फॉर्मूला होता है टी अपॉन में पाई बाई फोर और डी पाई बाई फोर डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर डी बाई टू और एच बाई सिक्स, हाँ। तो रिमाउंड अनडिस्टर्ब में टॉर्क जो लगेगा वो टॉर्क अनडिस्टर्ब बोल दोगे और डिस्टर्ब में जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क डिस्टर्ब के लिए बोल दोगे, बाकी वैल्यूज जो हमारी डायमीटर है वो थोड़ी ना बदल जाएगी, है ना, हाइट है जो पंचिंग की वो थोड़ी ना बदल जाएगी, तो ये सारे हमारे कट जाएंगी वैल्यूज, तो हमारा यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ जो आ जाएगा दैट विल बी टॉर्क जो हमारा लग रहा होगा अनडिस्टर्ब में अपॉन में टॉर्क जो हमारा लग रहा होगा डिस्टर्ब, सीधे सीधे काम खत्म, क्लियर यहाँ तक की बातें। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, आज हम लोगों ने डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ टेस्ट देख लिया है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ के पूरे हम लोगों ने एनिमेशन करके देख लिया है कि किस किस तरीके से स्लाइड में क्या हो रहा होगा, पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा, यस कैसे टेस्ट करते हैं, क्या होती है कहानी। तो दीज वर द टू वेरी इजी टेस्ट और कल की जो बातचीत होगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई एक्सियल टेस्ट फ्रॉम माई साइड, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, यस ट्राई एक्सियल टेस्ट, सो बी रेडी एवरीवन फॉर दैट ट्राई एक्सियल टेस्ट, सभी लोग ट्राई एक्सियल टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, यस। अब अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें तो यू कैन टेक माई प्लस क्लासेस, आप प्लस क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ऑल माई लेक्चर्स मेरे लेक्चर्स एज वेल एज फॉर द होल टीम, यस एवरीवन इज टेकिंग द क्रैश कोर्सेज एंड कंप्लीट बैचेस, तो वो सारे कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हैं बाय टेकिंग प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड GOPP गो विद द फ्लो ऑफ प्रांजल पांडे, यस यू कैन यूज दिस कोड टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 1 year, फॉर 1.5 year, फॉर 2 year, दीज आर द प्लान्स, आप इनमें से कोई भी बेहतर प्लान चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, बेटर आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए, बेटर रिजल्ट्स मतलब कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान दें तो 1 year to 2 year आपको ड्यूरेशन लगता है, तो यू कैन गो फॉर 1 year एंड फॉर मोर ड्यूरेशन, यू कैन यूज दोस प्लान्स, और आप मेरा कोड लगाने के बाद जब डिस्काउंटेड प्राइस जो आपका होगा दैट विल बी 27,225, 34,650 and 39,600, इसी में अगर आप प्लस की तरफ से आइकनिक जाते हैं तो प्लस की जो चीजें हैं वो ऑल यू विल गेट, क्रैश कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस
every fourth class will be the doubt clearing class. आप questions भेज सकते हैं, everything will be there. Along with that, you will get personal guidance, study material, study booster session. आपके test analyze किया जाएगा all these points. तो उसमें अगर आप code लगाते हैं GOPP and you will get 10% discount and you have to pay 45,025 for 1 year and 66,600 for 2 years. Yes. So Unacademy Gate CE के channel से आप PDF download कर सकते हैं. You can download the PDF from Unacademy Gate CE channel. आपको जो भी और मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, you will get the links for that special classes also. वहाँ पर प्रांजल सिविल के नाम से आपके सारे मैसेजेस आते हैं. Yes, आप अपने डाउट फॉर सारे वैसे ही यहाँ पे आपसे जो है बातचीत कर सकते हैं. दीज आर द अदर अनअकैडमी YouTube में अनअकैडमी के जो चैनल्स हैं. यस, फॉर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस. यस, इंक्लूडिंग सिविल. सिविल में मैं आपका मॉर्निंग में बैच ले रहा हूँ 10:30 AM, दैट इज क्रैश कोर्स. इवनिंग में ले रहा हूँ लेमिनार बैच 7 PM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. तो एग्जाम कोई भी हो, ब्रांच कोई भी हो, वी हैव चैनल फॉर दैट. एग्जाम अगर SSC JEE का, गेट का, ESE का, RRB का, तो वी हैव डिफरेंट चैनल्स फॉर दैट. यस, तो दीज आर द क्वालिटी कंटेंट. दीज आर द चैनल्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंटेंट टू यू इन द बेस्ट अवेलेबल फॉर्मेट. आपको बेहतर तरीके से आपको बताया जा रहा है. आप इसको इनको रेफर कर सकते हैं. यू कैन रेफर दिस टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. यस, so don't forget to like, subscribe the channel. Yes, aap channel ko subscribe kar denge. So thank you all the best, be safe, take care.